जी हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त अंगद वर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर अपने YouTube वीडियो को वायरल करना चाहते हैं, अपने वीडियो को ज़्यादा व्यूज लेना चाहते हैं, अपने वीडियो का इंप्रेस बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने वीडियो को पहले अपलोड करने से पहले अपने वीडियो का SEO करना सीखे। जी हाँ, तो SEO अगर अपने वीडियो का फुल स्ट्रॉन्ग करेंगे, 100% SEO करेंगे, तो आपको अपने वीडियो में व्यूज और इंप्रेस बढ़ने के लिए परेशानी नहीं आएगी। जी हाँ, तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। मैंने किसी देरी के जिस वीडियो पर हमने SEO स्ट्रॉन्ग किया उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आया, और जिस वीडियो का हमने SEO स्ट्रॉन्ग नहीं किया उस वीडियो का इंप्रेस कम गया, उसके लिए उस पर व्यूज भी कम आया, हमारा वाच टाइम भी कम मिला है और वाच और सब्सक्राइबर भी कम देखने को मिला है। तो आपको करना क्या, अगर वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना, फुल वाच करना होगा। मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि अपने वीडियो का SEO कैसे किया जाता है। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। जैसे ये हमारा मोबाइल स्क्रीन को मैंने अनलॉक कर दिया है, यहाँ पे देखिए, और YouTube मैंने क्लिक किया। जैसे YouTube क्लिक करेंगे तो यह आपका YouTube डेस्कटॉप बोर्ड में तो देख सकते हैं, तो आपको कॉन्टेक्ट सेक्शन पर मैंने क्लिक किया है, तो मैं तो ये आपका कॉन्टेक्ट सेक्शन। तो अभी हमने इस वीडियो को अनइंस्टॉल पर रख दिया है, तो जिस वीडियो पे हमारे पास ज़्यादा व्यूज आया है, मैं तो देख सकते हैं उस वीडियो का आप देखिए पहले उसका SEO क्या है। जैसे इस वीडियो को आप देखिए, ये एक दिन पहले अपलोड करने को वीडियो को हुआ है 40% में, तो 13 सब्सक्राइबर, और वीडियो पे कितना आया है 300+ व्यूज। तो इस पे व्यूज पे मैंने क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया है, जब क्लिक करेंगे तो ये आपका वीडियो में तो एडिट वीडियो आ गया है। तो वो करना क्या है, देखिए यहाँ पे टाइटल क्या लिखा गया है, 2 दिन में पूरा होगा वॉच टाइम अपने YT स्टूडियो से, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं वॉच टाइम। ये तो ये आपका टाइटल हो गया कि वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, ऐसे सर्चेबल टाइटल हो गया, क्योंकि लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, तो ये आपका सर्चेबल टाइटल हो गया। और यहाँ पे 2 दिन में पूरा होगा वॉच टाइम अपने YT स्टूडियो से, ये क्लिकबेट हो गया और ये टाइटल, ये यहाँ पे 2 चीज़ मैटर हो गया, यानी कि क्लिकबेट भी हो गया और आपका सर्चेबल कंटेंट का टॉपिक भी हो गया। तो यहाँ पर थंबनेल में क्या लिखा है, 2 दिन में पूरा होगा वॉच टाइम YT की ये बटन चालू करें, तो ये क्लिकबेट थंबनेल हो गया। लोग इसको थंबनेल को देख के क्लिक करेंगे कि कौन सा बटन मैं ऑन करूँ जिसके लिए हमारा वॉच टाइम जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर पूरा हो जाए। ये क्लिकबेट थंबनेल हो गया, क्लिकबेट टाइटल हो गया और सर्चेबल टाइटल हो गया। तो ये इसको आपको देख लेना है, इसको आपको इसी तरह से अपने वीडियो में टाइटल लिखना और थंबनेल लगाना है, ये पहला चीज़ हो गया। और दूसरा नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक, यहाँ पे देखिए जो टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है और फिर इसको करेंगे, तो यहाँ पे योर क्यूरिस लिख के नीचे देखिए भाई, इस ये जितना सारा कीवर्ड हम यहाँ पे सर्च किए गए हैं यूट्यूब पर सर्च करते हैं, जैसे कि वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, 4000 वॉच टाइम ट्रिक, वॉच टाइम कैसे हर्स, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, वॉच टाइम कैसे देखें, इस तरह के लोग कीवर्ड सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो ऑडियंस आपके सर्च करेंगे तो आपका इस कीवर्ड के जरिए आपका वीडियो रैंक करेगा, तो इस वीडियो के जरिए आपके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आएगा। जी हाँ, तो इसको आपको देखना, इसको आपको इसी तरह से आपको SEO करना है। SEO करने के लिए आप ये कीवर्ड आपको यूट्यूब पे या गूगल पे और प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये तो यूट्यूब पे मिले, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे 4000 वॉच टाइम, तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4000 वॉच टाइम तो क्या होता है, कैसे पूरा के होना या बाद करें, कंप्लीट कैसे कंप्लीट, इस तरह से आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएगा। उसको आप कॉपी करके आप डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डाल सकते हैं। फिर उसको यहाँ पे देखा हैशटैग हमने प्रयोग किया है, 4000 वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, 4000 वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, 4000 हॉर्स वॉच टाइम, 4 वॉच टाइम कैसे देखें, तो इस तरह से आपको हैशटैग प्रयोग करना है। इस हैशटैग के जरिए भी आपका वीडियो रैंक करेगा, बड़े बड़े यूट्यूबर के नीचे लगेगा। ये तो जैसे कि जैसे हमारा 1 मिलियन का सब्सक्राइबर है, तो हमारा ये वीडियो चल रहा है वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, तो उसके नीचे अगर ये हैशटैग अपने वीडियो में प्रयोग किए हैं, तो ये हैशटैग के जरिए आपका वीडियो यूट्यूब वहाँ के नीचे सजेस्ट कर देगा, तो आपका वीडियो कोई देख उसका वीडियो देख रहा है, तो आपका भी वीडियो को देखने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसको आपको देख लेना कि तभी आपका वीडियो SEO स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसको आपको भर के रखना है और आपको ये टाइटल लिखना है। फिर थोड़ा सा आपको बैक जाना है और यहाँ पर थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको दे सकते हैं। आप वीडियो अपलोड करने से, पब्लिक करने से 3 घंटा पहले वीडियो को अनइंस्टॉल पे ही अपलोड करिए, तुरंत पब्लिक मत करिए। जी हाँ, तो YouTube प्रोसेस ले रहा है 1 घंटे तक, तो प्रोसेस लेगा आपका वीडियो अपलोड हो जाने के बाद, 1 घंटे तक तो प्रोसेस लेगा, उसके बाद वीडियो को पब्लिक करना चाहिए, यानी कि आपको 2 घंटे या 3 घंटे का वेट करना चाहिए, तब अपने वीडियो को पब्लिक करना चाहिए। ध्यान देना, जब भी अपना वीडियो अपलोड करें तो अनइंस्टॉल पे ही अपलोड करें, पब्लिक करने के 2 घंटे पहले ही वीडियो को अपलोड कर दीजिए अनइंस्टॉल पे। तो इसको आपको देख लेना है, अनइंस्टॉल पे वीडियो अपलोड करना है, थोड़ा बैक जाना है। आपका ऑडियंस है, जो आपके व्यूअर है, आपके ऑडियंस बच्चों पे नहीं भेजना चाहिए, वीडियो को बच्चों के पास नहीं भेजना चाहिए। तो आपको देखना है नॉट इन नॉट फर्स्ट काइट, आपका वीडियो बच्चों के लिए नहीं बना हुआ, इसके बच्चों की ईमेल आईडी पे आपको सेट नहीं करना है, तो वहाँ से आपका वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा, क्योंकि आपका वीडियो बच्चों के पास भेज दिया जाएगा, यूट्यूब इंप्रेस भेजेगा, तो वहाँ से व्यूज नहीं आएगा। तो आपको सेट करना है नॉट इन मेड फॉर काइट, यह है आपका वीडियो का ऑडियंस, ये तो आपका ऑडियंस है, जहाँ पे सेट ऑडियंस लिखा हुआ है, तो आपको ऑडियंस सेट करना है, बच्चों के लिए वीडियो हमारा नहीं बना है। थोड़ा सा बैक जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट, आप अपने वीडियो में प्लेलिस्ट भी अभी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट से भी आपके यूट्यूब पे व्यूज ज़्यादा आएगा, क्योंकि
अगर आपका एक वीडियो चल रहा है और प्लेलिस्ट से ओपन हो गया है तो आपका सारा का सारा वीडियो प्लेलिस्ट का चल जाएगा। जैसे कि हमारा 350 वीडियो पड़ा हुआ है तो ये वीडियो हमारे प्लेलिस्ट से ही चल जाएगा। तो आपको प्लेलिस्ट देख करना है, फिर अल्टरनेट कंटेंट पे क्लिक करना। अल्टरनेट कंटेंट होता क्या है, तो अगर आप किसी का दूसरे का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या फिर AI जो है जनरेट किया गया वीडियो दिखा रहे हैं, असली को नकली दिखा रहे हैं, नकली को असली दिखा रहे हैं, तो इस तरह का वीडियो में आपको यस करना है। अगर आपका वर्जन काउंटर का वीडियो है तो आपको नो सेट करना है, जैसे हमारा नो सेट कर दिया। फिर थोड़ा सा बैक जाएंगे तो नीचे देगा टैग का ऑप्शन में, तो ये टैग ही आपका मैटर करता है आपके वीडियो को क्या कहते हैं वायरल करने में, सर्चेबल बनाने में, क्योंकि लोग टैग के जरिए आपके वीडियो को सर्च करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए वाच टाइम कैसे बढ़ाएं, तो आपको देखना है वाच टाइम कैसे कंप्लीट करें, वाच टाइम कैसे बढ़ाएं, ये दो टैग हमने खाई डाल दिया है जो पॉपुलर टैग है, वाच टाइम कैसे कंप्लीट करें, वाच टाइम कैसे बढ़ाएं। आप मिनिमम 2-3-4 के टैग आप लगा सकते हैं, हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। आपको रेपिड टैग से आपको टैग मिल जाएगा, उसके अंदर आपको टाइटल डाल देंगे तो आपका ये रेपिड टैग से आपको अपना वीडियो के लिए टाइटल और टैग निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। या तो आपको उसके अंदर करना है कि आपको अपने टाइटल को सिर्फ उसके अंदर सर्च करना है और मिनिमम 15 टैग आपको देगा निकाल के, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, टैग के जरिए पे पेस्ट कर देना है, 100% वो टैग आपका सर्चेबल रहेगा और रैंकिंग कीवर्ड भी रहेगा। तो इसको आपको देख लेना है, इसको भी आपको कर लेना है अपने वीडियो में। फिर आपको देखना है कैटेगरी में, तो ये वीडियो का कैटेगरी हमें तो आपको सेट करना है कि आपका वीडियो किस टॉपिक का, कॉमेडी का है तो कॉमेडी सेट करना है, इंटरटेनमेंट का इंटरटेनमेंट सेट करना है, गेमिंग का वीडियो तो गेमिंग सेट करिए, हाउ टू स्टाइल पे है तो हाउ टू स्टाइल पे करिए, और ब्लॉग का है तो पेपर और ब्लॉग पे करिए, साइंस और टेक्नोलॉजी का वीडियो है तो साइंस और टेक्नोलॉजी का वीडियो पे सेट करिए। तो आपको कैटेगरी बहुत मैटर करता है आपका वीडियो को वायरल करने में। जी हाँ, तो जैसे कि आपका यूट्यूब का वीडियो है, आप कॉमेडी का वीडियो बनाए हैं तो कॉमेडी यहाँ पे सेट नहीं किए हैं, एजुकेशन सेट कर दिए हैं। तो यूट्यूब एजुकेशन जो लोग देखते हैं, स्टूडेंट जो हैं वो सर्च करते हैं वीडियो, तो वहाँ पे यूट्यूब आपका वीडियो का इम्प्रेस भेज देगा, आपका एजुकेशन सेट कर दिए हैं तो। अगर आपका कॉमेडी है तो कॉमेडी देखने वाले लोगों के पास इम्प्रेस भेजेगा। तो आपको कैटेगरी बहुत मैटर करता है आपकी वीडियो का इम्प्रेस बढ़ाने के लिए। जी हाँ, तो आपको कैटेगरी आपको सही और अच्छा कैटेगरी चूज करना है। फिर कमेंट सेक्शन को आपको ऑन कर देना है और अपने वीडियो को यहाँ से सेव कर देना है। इस तरह से अपने वीडियो को SEO किया जाता है, 100% SEO किया जाता है, तो आपका वीडियो पे ज़्यादा व्यू जाएगा, आपका वीडियो का इम्प्रेस बढ़ेगा, आपका वीडियो सर्च में भी रहेगा। तो आप समझिए कि आपका वीडियो जिस टाइम पर सर्च में जाने लगेगा, जिस टाइम पर वीडियो का इम्प्रेस बढ़ जाएगा, कैटेगरी सही चूज कर लेंगे तो उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आएगा, कभी भी आ सकता है उस पर ज़्यादा व्यूज। या तो ये मैटर नहीं कहता कि आपका 2 दिन वीडियो अपलोड करने को कम व्यूज आया है या 4 दिन हो गया वीडियो अपलोड करने को कम व्यूज आया है, उस पर कभी भी किसी भी टाइम वीडियो पर व्यूज आ सकता है, क्योंकि वो वीडियो सर्च में चला गया है, लोग सर्च करेंगे वाट टाइम कैसे बढ़ा, यूट्यूब वहाँ पे यूट्यूब रिकमेंड कर देगा। तो इस तरह से आपके वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आएगा, आपका इम्प्रेस बढ़ता जाएगा, सर्च से इम्प्रेस बढ़ेगा। तो आपको इसको आपको देख लेना है, तो 100% इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आएगा। आपको मैं दिखाता हूँ इस वीडियो का इम्प्रेस कितना है, मैंने इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, आप क्लिक किए हैं, आप देखिए इस वीडियो का व्यूज 296+ व्यूज, इस पर 4 दिन वीडियो अपलोड करने को हुआ है, 4 दिन के बाद इस वीडियो को व्यूज आया है। मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए भाई 2 दिन पहले ये इस वीडियो पे सिर्फ कितना व्यू था, 24 व्यू था, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ चला गया 286 व्यूज, और फिर यहाँ पे 396। तो इस तरह से आपकी वीडियो पे व्यूज आएगा। और यहाँ पे देखिए टॉप सर्च में ब्राउज फीचर से व्यूज आया, इतना आया है, इंटरनेट से चैनल पेज से आया है, यूट्यूब सर्च आया है, तो बहुत सारे सोर्स से आपकी वीडियो पे व्यूज आता है। तो इसको आपको चेक कर लेना कि आपका वीडियो पे व्यूज कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। तो थोड़ा सा बैक जाएंगे, अब इसका देखिए इम्प्रेस यूट्यूब कहाँ पे भेजा, कैसे भेजा है। जी हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए भाई इम्प्रेस पर मैंने क्लिक किया। जी हाँ, तो जैसे इम्प्रेस पर क्लिक करेंगे तो जिस टाइम पे कितना व्यूज, यहाँ पे देखिए 8 बजे इसका इम्प्रेस गया था सिर्फ 500 लोगों के पास, उसके बाद यहाँ पे देखिए 5000 लोगों के पास इम्प्रेस गया था 1 बजे 3 तारीख को। मैं तो देख रहा हूँ ये 3 तारीख को इम्प्रेस गया था 1 बजे 5,500 लोगों पर। और कितना इम्प्रेस गया, सर्च में वीडियो पर इम्प्रेस गया 12, सजेस्टेड वीडियो में गया 29, चैनल पेज पर गया है इम्प्रेस 121, और ब्राउज फीचर में गया है 555, यानी कि प्लेलिस्ट में भी गया है 8 इम्प्रेस। तो आपको देखना है कि आपका इम्प्रेस कितना कहाँ पे कितना जा रहा है, सर्च में ज़्यादा जा रहा है तो सर्च बैक काउंटर बनाइए, ब्राउज फीचर से इम्प्रेस ज़्यादा जा रहा है तो आपको क्लिक बैक थंबनेल लगाइए, चैनल पेज पर इम्प्रेस जा रहा है तो आपको होम टैब पे अपने वीडियो को लगाइए। तो आपको इस तरह से अपने वीडियो का इम्प्रेस देखना कि आपका इम्प्रेस कितना कब और कैसे जा रहा है। तो ये इम्प्रेस 12:30 बजे दिन में बढ़ता है, ध्यान देना, पूरा दिन वीडियो पे इम्प्रेस नहीं जाएगा, 12:30 बजे का उस टाइम पे आपके वीडियो का इम्प्रेस पूरा का पूरा सारे वीडियो का इम्प्रेस चला जाएगा। उसको आपको कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूँ, आपको लेटेस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख कॉन्टेंट सेक्शन, इस पर क्लिक करना है।
लॉन्ग वीडियो काम करता है तो लॉन्ग पे क्लिक करना और शॉर्ट पे काम करता है तो शॉर्ट पे क्लिक करना। तो हमने लॉन्ग पे क्लिक किया या देखिए इंप्रेस, मैं तो इंप्रेस पे मैं क्लिक किया। जब तो इंप्रेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए मैं तो 7 दिन पर मैंने क्लिक किए हैं। अब यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए भाई 1 अक्टूबर को 5,500 इंप्रेस गया था, 29 तारीख को 2,000 इंप्रेस गया था, यहाँ पे देखिए 26 तारीख को 17,000 इंप्रेस गया था हमारे सारे वीडियो का, ये सारे वीडियो का इंप्रेस 17,000 गया था। तो मैं तो इस पे देखिए 7 दिन के अंदर इस वीडियो का इंप्रेस 13,000 गया था। तो 13,000 पे इस पे सिर्फ मैं तो 3,000 व्यूज इस पे आया, इसी वीडियो पे 7 दिन के अंदर इस वीडियो पे 13,000 इंप्रेस गया है, उस इंप्रेस में से हमारी इस वीडियो पे 13,000 व्यूज आया है। तो जिस तरह से आपका वीडियो का इंप्रेस जाएगा उसी तरह आपके वीडियो पे व्यूज आएगा। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि आपका वीडियो का SEO कैसे किया जाता है। तो वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंगद वर्मा, टेस्ट पॉडकास्ट पर जय हिंद, वंदे मातरम।